हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बस ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी पढ़ाई जो है वो इस टाइम पे थोड़ी ठीक चली, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बंद करके रखी हैं। तो बस ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो पढ़ रही हूँ सारा दिन, मतलब दिन भर जो मेरी पढ़ाई होती है, उससे कहते हैं ना कि अपने आप को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, आप जो है अपना 100% दे रहे हो। तो मेरे साथ ही वही है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन आज जो है वो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। और ये वाली जो वीडियो है, मैं ये लास्ट मतलब 8-10 दिन से बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि वही है, पढ़ाई चल रही थी और मैं मतलब शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था, क्योंकि जैसा जो लोग मुझे देखते हैं जानते होंगे कि मतलब मुझे सारा काम अभी खुद से करना रहता है और खाना भी खुद से बनाना रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो इन सब के चलते मतलब पढ़ाई उतना ज़्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज फाइनली मेरा वो दिन है। कहते हैं ना कि आप लगातार पढ़ाई 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 नहीं कर सकते, कोई ना कोई ऐसा दिन होता है कि उस दिन आपकी उतनी पढ़ाई नहीं होती। तो आज मेरी उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो आज मैंने थोड़ा अपना कपड़े वपड़े भी थोड़ा धुल लिए, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। क्या रहता है कि डेली पहनते जाओ, चेंज करते जाओ, फिर जब इकट्ठे हो जाते, तो आज मैंने सारे वॉश करके डाले और खाना वाना बनाया। फिर उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना देती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ रहे थे कि ब्लॉग कब आएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और 1K होने वाले हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन देखो मैं कौन सा वीडियो बना रही हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए, साथ में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि थंबनेल आप लोगों ने यही देखा होगा, यही देख के क्लिक किया होगा। हाँ, तो आज ऐसा दिन था, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम को यूटिलाइज करते हैं और आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि मतलब कैसा क्या चल रहा है, और मैं वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ इस टाइम पे, कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे एग्जाम्स हैं May 23 में, जो कि स्टार्ट है 2nd of May से। तो बस इतना ज़्यादा प्रेशर है, मतलब मैं आप लोगों को सच में बताऊँ तो ये फाइनल के एग्ज़ाम मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, और इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है। किसी किसी दिन तो ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या, पूरा जब आप सारा दिन पढ़ते रहो, रात में एकदम एग्जॉस्टेड, पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और रात में जब नींद लो ना, जब 6-7 घंटे की नींद रहती है, तो उसमें कोई होश नहीं रहता कि हाँ हम हैं इस दुनिया में, इस तरीके का हाल है। और इतनी ज़्यादा एनजाइटी होती है, लगेगा वॉमिटिंग लगी है, कभी ऐसे फीवरिश से लगता है, कभी ऐसा लगता है कि मतलब कभी माइंडली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो बस इन सब की वजह से मैं अभी वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूं। तो जो आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि लीविंग यूट्यूब बिकॉज नॉट गेटिंग व्यूज, सब्सक्राइबर एंड लाइक्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब जब तक मेरे एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स की वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दे, सोच नहीं रही हूँ, मतलब यहाँ तक कि मैंने बंद कर रखा है। जैसे आप लोग जानते हो कि मैंने लास्ट 22 फरवरी को, जब मेरे भैया की शादी थी, तभी वीडियो एक शूट किया था, जो भी शूट किया था, उसके बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। हाँ, और मैं अभी घर गई थी होली के टाइम पे, क्योंकि आप लोग जानते हो घर पे होली पे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गुजिया बनाना, ये सारी चीज़ें काम होते हैं, आना जाना होता है रिश्तेदारों का, तो इस वजह से मैं उस टाइम पर नहीं पढ़ पाई। लेकिन मैंने वीडियो शूट किया था, अभी भी मेरे फोन में वीडियो पड़ा है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको एडिट करके पोस्ट कर दूँ यूट्यूब पर। तो खैर कोई बात नहीं, एक वीडियो है, नहीं एडिट हो पा रहा, नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं। और ये वीडियो जो है, इसको भी मैं बिना एडिट किए, जैसे मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, ऐसे ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और मैं ऐसा सोचती थी कि सच में मतलब जो लोग रेगुलर वीडियो बनाते हैं, रेगुलर वीडियो डालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले मतलब मुझे ऐसा नहीं, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता था। आप लोग भी अगर अभी मेरी वीडियो देखते होगे तो सोचते होगे कि बना दिया, डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं उसमें बनाने में। मैं ये नहीं, वीडियो बनाने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। देखना पड़ता है कि शांति है नहीं है, जब आपको पीछे से वॉइस ओवर करना होता तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती। तो बस इस टाइम पर, खैर ये सब बातें तो अलग है, जो मैं आप लोगों से मेन बात करने आई वो यही है कि मतलब अभी के लिए मैं यूट्यूब अपना छोड़ रही हूँ। अगर मेरे से होगा तो 1-2 शॉर्ट्स जब कभी मन किया, क्योंकि आप 24 घंटे या फिर अपने आप को पढ़ाई में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो अगर मेरे से हुआ तो 1-2 शॉर्ट्स या वो कुछ ऐसे पोस्ट कर दूंगी। वरना मैंने सोचा तो था कि जब मैं एग्ज़ाम दूंगी तो अपने स्टडी व्लॉग्स बना के डालूंगी, अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी कि क्या कैसे है और क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ, किस तरीके से, लेकिन नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं YouTube पे देखती हूँ, मतलब अभी मेरे पास टाइम रहता तो मैं YouTube पे देखती हूँ कभी वीडियो कि लोग अपने स्टडी व्लॉग्स बना के डाल रहे हैं या उनके एग्जाम्स हैं 1 महीने बाद। हमें नहीं पता, मतलब नहीं पता कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे से तो नहीं होता। मैं आप लोगों को अभी इसमें थोड़ा सा एक अपना डे का मतलब वो बता देती हूँ कि मैं मेरा डे पूरा कैसा रहता है। अभी क्या रहता है, मैं मॉर्निंग में
9 से 10 के बीच में उठती हूँ, उसके बाद यहाँ तक कि चाय नाश्ता भी नहीं होता, सीधे मैं ऑडिट क्लास करने बैठ जाती हूँ और क्लास चलती है मेरी 2 बजे तक, क्योंकि मेरी जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो ऑडिट क्लास चल रही है अभी और लॉ की भी थोड़ी बची है, तो वो रहता है 2 बजे तक, मतलब मैं भी, ये मेरा शेड्यूल है जो मैंने बना रखा, तो वो क्लास चलती है वो 2 बजे तक चलती है, उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ, फिर मैं 3 बजे से पढ़ाई करने बैठती हूँ तो SFM लेके बैठती हूँ, उसके बाद सीधे मेरी SFM चलती है 8 बजे तक, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट डिवीजन चल रहा है, तो उसके बाद फिर मैं FR करती हूँ, मतलब 8 के बाद फिर आधा एक घंटे का ब्रेक लेके 6 बजे के टाइम पे घर वालों से बात किया वही सब, फिर उसके बाद 8 बजे से बैठती हूँ, फिर उसके बाद रात के 1 या 2 बजे तक, और खाने का टाइम भी यहाँ तक कि रात का नहीं है, 1-1.5 बजे खाना, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे, जब मन किया, जब पढ़ते पढ़ते थक गए तो उसके बाद खा लिया, और खाने पीने के बाद थोड़ी बहुत देर जब मन किया पढ़े, और फिर रात में 2 बजे के बाद ही सोना होता है। अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि 2-3 बज जाते फिर नींद ही नहीं आती है, तो बस इस टाइम जो है इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि पहला रिवीजन चल रहा है, अभी फर्स्ट रिवीजन है और एग्ज़ाम बिल्कुल एकदम सिर पे लगे हैं, कभी कभी दिल एकदम ऐसा लगता है बस अब नहीं हो रहा मेरे से बस, लेकिन नहीं, फिर अपने आप को समझाना है कि जब लिया है, चूज़ किया है CA, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ना है, निकालना है, जितनी जल्दी पढ़ेंगे, जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी मतलब लाइफ जो है अच्छी होने वाली है, और मैं आप लोगों को भी टाइम दे पाऊंगी, अपने यूट्यूब के टाइम दे पाऊंगी, जिसको मैंने खुद अपनी मर्जी से अपने लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए शुरू किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो क्योंकि 8-10 लोग तो पूछ ही रहते हैं मेरे से इंस्टा पे, मेरे मैंने देखा मैसेज आए हुए हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी, क्यों नहीं पोस्ट करी, तो मेन रीज़न यही है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, इस वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर रही हूँ, और जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं जल्दी से आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट करूंगी, और मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि फिर से कनेक्ट कर पाऊंगी और फिर से अपनी जो लाइफस्टाइल जो चल रही है उसको दिखा पाऊंगी, और मतलब मैं क्या करी क्या नहीं कर रही हूँ जैसा कि मेरे व्लॉग्स में रहता है वो। और इसके बाद तो जब एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ अपने, सबसे पहले तो मेरा एग्जाम वाला रहेगा, उसके बाद सारा आप इसे बता दे रही हूँ। और हाँ एक चीज़, और यूट्यूब के जो वीडियो है वो बनाने के लिए ना सोचना भी बहुत पड़ता है, अभी जो है मैंने लिख के रखा हुआ है कि हाँ मतलब यही है, वरना जब बोलने बैठो ना तो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो बस मैंने लिख के तो रखा लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ कि क्या है, तो बस आप लोगों से यही कहूँगी, सारे लोग विश करना कि मेरे एग्जाम्स जो है वो अच्छे जाएँ और बहुत अच्छे और मैं पास हो जाऊँ, ये तो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ओके, तो विशेष जो है वो मैटर करती है, और ये मेरा कट इसलिए लगा है क्योंकि मेरा जो फ़ोन का स्टोरेज है वो फुल हो गया था, तो मैं गई मैंने कुछ वीडियो डिलीट किए तब जाके मैं आप लोगों से दोबारा बात कर पा रही हूँ, बड़ी दिक्कत है भाई, मतलब स्पेस की तो बहुत ही दिक्कत है, अगर आप एक वीडियो बनाओ तो आगे का वीडियो नहीं बना सकते, जल्दी से एडिट करो उसको पोस्ट करो उसके बाद सारी वीडियो डिलीट करो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालो, तो बस मुझे जल्दी से जल्दी दूसरा फ़ोन लेना है, उसके लिए क्या पैसे भी होने चाहिए, तो जल्दी से CA बन जाएंगे फिर पैसे कमाएंगे फिर जल्दी से नया फ़ोन ले लेंगे, खैर ये सब बाकी बातें बाद में, अब मैं जल्दी से वीडियो ख़त्म करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जल्दी से 1K करा दो, 1K होगा तो देखो मैं कोशिश करूंगी कि या तो लाइव आऊँ 5-10 मिनट के लिए, और या फिर छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे फिर देखते हैं, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होगा, मतलब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो ये मत सोचना कि मतलब 1K सब्सक्राइबर, उसके साथ साथ 2 कंडीशन लगाई हुई यूट्यूब ने मोनिटाइजेशन के लिए, 1 कंडीशन नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊँगी, फिलहाल 1K सब्सक्राइबर करा दो और फिर उसके बाद जब 1K हो जाएंगे तब मिलते हैं, ओके बाय।